eating only Chinese food for 24 hours. Shezwan sauce. Chef pan pa. Chachu paneer. है चाइनीज पाओ पर मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। ये है मुंबई का लोकल चाइनीज नाश्ता। चाइनीज पकौड़ा खा गया। ओए होए होए। डेजर्ट में देखो मेरे पास क्या है। सिमोसी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गरमास गुड लाइफ। आई नो आप लोग मेरे चैलेंजेस और सिंबू दोनों को मिस कर रहे थे, इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का सबसे रिक्वेस्टेड चैलेंज, ईटिंग ओनली चाइनीज फूड फॉर 24 आवर्स। दैट्स राइट। वाओ। सिंबू, इन लोगों को बोलो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 30,000 लाइक्स। अगर ये उसे पूरा करेंगे तो हम चैलेंजेस में चैलेंजेस बनाते रहेंगे, है ना? बाय द वे गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया ये है मेरी नई वॉल। ब्राउन वॉल ना एकदम खराब हो गई थी, तो अब आप लोग मुझे इस वाली वॉल के अगेंस्ट बहुत सारे वीडियोस शूट करते हुए देखोगे। कैसी लग रही है बताना नीचे कमेंट्स में। चलो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइनीज नाश्ते से। नाश्ते में चाइनीज, देखते क्या करेंगे। आ जाओ। गाइज, आज के चाइनीज नाश्ते की इंस्पिरेशन ली है मैंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार से। हाँ? वो चांदनी चौक टू चाइना गए, मैं चाइना से चांदनी चौक आ रही हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मैं बनाऊंगी चाइनीज पराठा। What? वो क्या होता है, कैसे बनेगा, आई हैव नो आइडिया। उसकी तैयारी में मैंने सिर्फ भैया से ये वेजिटेबल्स मंगवाए हैं जिनसे चाइनीज खाना बनता है। सो लेट्स ट्राई दिस वियर्ड कॉन्कॉक्शन। चाइनीज पराठा खाएगा? है? खाएगा? नहीं। सिंबू, तुमको पता है चाइनीज खाना बनाने के लिए कितना आलस का काम होता है, इतनी सारी सब्जियों को चॉप करना। इसीलिए मैंने दिमाग लगाया, मैं इन सारी सब्जियों को ना एक साथ इस चॉपर में डाल के इन्हें अच्छे से मिंस कर लूंगी। मस्त मसाला बन जाएगा मेरे पराठे के लिए। That's pretty good. मैंने अपनी इस रेसिपी में ना बहुत दिमाग लगाया। इन वेजिटेबल्स में मैं डालने वाली हूँ ये रेडी टू यूज फ्राइड राइस का मसाला। पता नहीं क्या बनने वाला है, लेट्स सी। पराठे वाली गली की तरह मैं बनाने वाली हूँ एक जंबो साइज का चाइनीज पराठा। फटियो मत भाई, फटियो मत, फटियो मत प्लीज। सो गाइस, मेरा चाइनीज पराठा रेडी है और इसे मैं खाऊंगी चाइनीज अचार के साथ। हाँ? शेजवान सॉस। ओह गॉड, ये कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला है। Let's see. 1, 2, and 3. Oh my God! This is so damn yummy. मैं तो ये रेसिपी पेटेंट करवा रही हूँ, आप लोग भी जरूर ट्राई करके देखना। दिस चाइनीज पराठा इज ऑसम। ए पराठे वाली गली के लोग, मेरी रेसिपी कॉपी मत करना। लेट मी एंजॉय माय चाइनीज ब्रेकफास्ट एंड आई विल सी यू इन सम टाइम। ओके, वाओ, क्या कॉम्बिनेशन बना मैंने। ओह जीनियस जीनियस। 1 hour later. Guys,
गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे पिंकी पिंकी प्रोडक्ट्स यूज करके तैयार क्यों हो रही हूँ। वेल दैट्स बिकॉज मैंने रिसेंटली ये सारा सामान लिया है नाइका स्टोर से व्हाइल शूटिंग अ वेरी वेरी फन एंड क्रेजी चैलेंज फॉर यू ऑल। गेस कर सकते हो कौन सा चैलेंज है? चलो हिंट देती हूँ। लास्ट टाइम इस चैलेंज में मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पिंक कपड़े पहने थे, समझ गए? Yes, you all guessed it right. Using only pink color for 24 hours challenge 2.0. मैं इस चैलेंज में क्रेजियर हो गई हूँ, वैकियर हो गई हूँ। गाइज बहुत ही मजे का चैलेंज शूट हुआ है, लेकिन ये चैलेंज मैंने अपने चैनल पे नहीं बल्कि नाइका टीवी पे किया है। That's right. मेरा नाइका टीवी पे डेब्यू हो रहा है with this amazing pink challenge 2.0. तो जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है ना, head straight to नाइका टीवी for the premiere of my pink challenge. वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने उस चैलेंज का लिंक भी छोड़ दूंगी और यहाँ पे ऊपर उसे आई लिंक में भी लिंक कर दूंगी। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? जैसे वीडियो खत्म होता है नाइका टीवी पे जाना, ऑलराइट? और मैं फिलहाल जाती हूँ अपना ऑथेंटिक चाइनीज लंच करने के लिए। आ जाओ। Welcome to Sampan. ये है मुंबई का one of the oldest and the most authentic Chinese joints. It's a restaurant in Novotel Hotel जो कि मेरे घर के बहुत नजदीक है। तो मैंने सोचा आज के Chinese challenge में क्यों ना एक meal authentic China वाली meal खाई जाए। Indian Chinese नहीं, Chinese वाला Chinese खाऊंगी मैं यहाँ पर। ये जगह जो है ना almost 40 साल पुरानी है, यहाँ के chef भी उतने ही सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ही authentic खाना बनाते हैं। In fact इसका नाम जो है ना वो इस बोट के नाम पे रखा गया है। ईस्ट एशियंस सैंपैन नाम की छोटी बोट्स यूज करते थे ट्रैवल करने के लिए। सो दिस प्लेस स्क्रीम्स ऑथेंटिसिटी। गाइस लुक एट देयर मेन्यू कार्ड, ये भी कितना ऑथेंटिक चाइनीज मेन्यू कार्ड लगता है। और ये हैं यहाँ के सेलिब्रिटी शेफ जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ, शेफ पेंपा। हाय शेफ, वेलकम टू गरमास गुड लाइफ। आज आप मेरे को ऑथेंटिक चाइनीज में क्या खिलाने वाले हैं? आप मैडम आप क्या कहते हैं? मुझे बाओ खाना है। okay. और कुंफू पैंडा का फेवरेट मुझे डंपलिंग खाना है एंड एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज माय ऑथेंटिक चाइनीज क्यूजीन जिसमें है दो टाइप के डंपलिंग्स, चाइनीज बाओ जो कि होते हैं चाइनीज पाओ, ये है यहाँ की सिग्नेचर डिश चाचू पनीर, दीज आर द टू सॉसेस एंड वी हैव एनीथिंग एल्स। Chinese greens, yes please. And the last thing जो शेफ खुद लेकर आए हैं, the wontons, thank you. Wontons के साथ खाने के लिए मुझे हनी चिली डिप दिया गया है, ये मेरा फेवरेट है, I just love it. Let's eat everything one by one. Guys, मैं authentic Chinese meal तो खाने आ गई हूँ पर मुझे chopstick से खाना नहीं आता। It's so embarrassing. मुझे सीखना है, आप लोगों को भी सीखना है क्या? मेरे पास ना मेरी एक फ्रेंड है जो सिखाती है चॉपस्टिक्स को कैसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। फिलहाल ये ना अटैच वाली चॉपस्टिक है, शायद इससे मैं पनीर उठा पाऊं। ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा आता है। Wow. Let me dip it in the sauce and have it with my chopstick. I did it. पनीर तोड़ गया, प्याज नहीं उठेगी। नो उठेगी। आई एम लविंग माई मील राइट नाउ। लेट मी फिनिश माई फूड एंड आई विल सी यू इन अ बिट। ओके, ए लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर। व्हाट इज दिस? चाइनीज टी। वाओ, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। सुनो, मुझे अभी चाइनीज टी नहीं पीनी है, मेरा चाइनीज चैलेंज चल रहा है, मुझे पैक करके दे दो ना, मैं शाम को चाय के टाइम पे पी लूंगी। व्हाट? मेरा काम हो जाएगा। Can you give it to me? How sweet! They are packing my complimentary Chinese tea for me. I'll have it at my tea time, huh? Thank you. See you at tea time now. Guys, Chinese challenge में it's my tea time. ये देखो मेरे पास क्या क्या है। देखो सिमू, ये है वो चाय जो मैं रेस्टोरेंट वालों से मांग के लेकर आई हूँ। Gosh, I don't believe this. मैं कैसे कैसे काम करती हूँ चैलेंज के चक्कर में। चलो इससे बनाते हैं हम अपनी चाइनीज टी।
हाँ ये देखो चाइनीज टी बन रही है। ये है मुंबई का लोकल चाइनीज नाश्ता। दिखाती हूँ। ओके 1, 2 और 3 चाइनीज पकौड़ा, चाइनीज भेल। गाइज ऐसा नाश्ता ना मेरे हिसाब से तो सिर्फ मुंबई में मिलता है। क्या आप लोगों के शहरों में चाइनीज पकोड़े और चाइनीज भेल मिलते हैं? नहीं। ओके नो। तीखा लग जाएगा, कलर देख उसका। चाइनीज पकोड़ा खा लिया। डिनर करने के लिए मैं आई हूँ एक रोड साइड स्टॉल पे। ये कोई ऐसा वैसा स्टॉल नहीं है, सेलेब्रिटी स्टॉल है भाई साहब। इसका नाम है सागर स्नैक्स, जो कि जुहू का बहुत ही फेमस चाइनीज कॉर्नर है। अगर आप लोग पापराजी को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा यहाँ पे रिसेंटली खाने के लिए कौन आया था। कार्तिक आर्यन एंड सनी सिंह, दैट्स राइट। उनकी ना इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ सामने पार्क थी, पापराजी वाज गोइंग क्रेजी आफ्टर देम, और वो दोनों लगे पड़े थे अपने फ्राइड राइस और नूडल्स और मंचूरियन पनीर चिली खाने में। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी आज कुछ वैसा ही यहाँ से ट्राई करूँ। आपका मेन्यू दिखाइए। कार्तिक आर्यन स्पेशल, आई थिंक आई विल गो फॉर दिस। और आपके यहाँ का कोई सूप फेमस है? हॉट एंड सार। ठीक है, सो एक हॉट एंड सार सूप और कार्तिक आर्यन स्पेशल। अरे हम भी किसी सुपरस्टार से कम थोड़ी हैं, हम भी कार्तिक आर्यन की तरह यहाँ पे अपनी गाड़ी के आगे खड़े होके स्ट्रीट साइड चाइनीज फूड एंजॉय करेंगे। ओए होए होए गाइस, स्ट्रीट साइड चाइनीज फूड में जो कशिश होती है ना, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के खाने में नहीं होती। नो वंडर सनी सिंह और कार्तिक आर्यन इतने चटकारे लेकर यहाँ पे अपना चाइनीज फूड एंजॉय कर रहे थे। वैसे ये जॉइंट जो है ना, नॉट जस्ट देम, जुहू के जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, वो रात बेरात लेट नाइट पहले तो पार्टी करके लोग यहाँ आया करते थे खाने के लिए, क्योंकि ये सुबह 4 बजे तक चालू रहता है। तो ये बहुत ही फेमस जगह है, देख लो एक बार फिर से। जब भी आप लोग आओ मुंबई जुहू में, सागर स्नैक्स 10th रोड पे JVPD में जरूर आना, स्ट्रीट साइड चाइनीज डेलिकेसीज एंजॉय करने के लिए। चलो लेट मी फिनिश माई डिनर और उसके बाद घर चल के डेजर्ट खाएंगे। हाँ गाइज, इस चाइनीज चैलेंज में डेजर्ट में देखो मेरे पास क्या है। सिमोसी देखो देखो, ऑथेंटिक चाइनीज फॉर्चून कुकी है। इसमें चाइनीज में कुछ लिखा भी है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन आप लोगों को फॉर्चून कुकी का कॉन्सेप्ट पता है? ये ना चाइनीज कल्चर में डेजर्ट में खिलाई जाती है, और इस कुकी को तोड़ने पर इसमें से एक पेपर स्ट्रिप निकलती है जिसमें हमारा फ्यूचर लिखा होता है। चलो देखते हैं मेरे फ्यूचर में आज क्या है। लेट्स ओपन दिस। ऑलराइट 1, 2 और 3 ये देखो। Be most affectionate today. Oh, Simbu, I'll be very affectionate with you today. Let's eat this cookie. अच्छा future बताया मेरा। See, ये authentic fortune cookies का idea आप लोगों को कैसा लगा? मुझे नीचे comments में बताना। और I hope आप लोगों को आज का challenge अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपको पता है ना, 30,000 का लाइक टारगेट पूरा करना है। And yeah, go to Nykaa TV right now to watch my pink challenge there 2.0. ठीक है, उसका प्रीमियर शुरू होने वाला है। जाओ जल्दी से Nykaa TV पे। Bye, love you all. Mwah.